नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ अफीसा खान। देश की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े आरोप लगाए हैं अपने अकाउंट फ्रीज को लेकर। कांग्रेस का कहना है कि चुनावी मैदान में जाने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है जिसका इस्तेमाल वो कर पाए, क्योंकि तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। हालांकि देखा जाए तो कांग्रेस एक ऐसी मात्र पार्टी है जो बीजेपी से सीधा मुकाबला 200 सीटों पर करेगी, यानी कि सीधा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई 200 सीटों पर है। लेकिन कांग्रेस चुनावी मैदान में कैसे जाए, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं। ये रोना धोना खुद कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स ने किया, कॉन्फ्रेंस कर कर बताया कि किस तरीके से कांग्रेस की हालत इस वक्त मुश्किलों में है। बातचीत कर लेते हैं मेरे साथ गुजरात से सागर शाह जी, जुड़ चुके हैं, जो तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। और ये मुद्दा बेहद जरूरी है, क्योंकि चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस इस तरीके की घोषणा कर रही है कि उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है और वो पैसा इस्तेमाल करने में नाकाम है। बातचीत करते हैं सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नमस्कार वाकई ही कांग्रेस नमस्कार। की हालत इतनी खस्ता है या कांग्रेस इतनी परेशान है कि वो वाकई इस्तेमाल नहीं कर पा रही पैसों का, जैसा आरोप कांग्रेस लगा रही है कि उसके तमाम अकाउंटों को फ्रीज कर दिया गया है। और राहुल गांधी तो ये तक कह रहे हैं कि ये सिर्फ कांग्रेस पर हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इस बयान पर आपकी राय क्या है? आरोप कांग्रेस आरोप लगा रही है। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आपका बैंक अकाउंट अगर मैं बंद कर दूं किसी ना किसी वजह से, कोई ना कोई वजह बताकर, अगर मैं आपकी पूरी जो फाइनेंशियल आइडेंटिटी है अगर मैं उसको लॉक कर दूं, आपको कहीं से ना पैसा मिलेगा और आपका जो बचा हुआ पैसा है वो ना आप उठा सकते हो ना आप खर्च कर सकते हो, तो आप मुझे बताइए कि आप अपने घर से निकलकर बस के अंदर भी सफर नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये आरोप कैसे है? पूरा का पूरा अकाउंट, यानी कि तीनों अकाउंट्स, कांग्रेस के IYC के अकाउंट, INC के अकाउंट, NSUI के अकाउंट, सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं और कोई छोटी अमाउंट नहीं है। आप देखिए 210 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं, वो भी कब, जब चुनाव को सिर्फ 1.5 महीना बाकी है तब। तो आरोप कांग्रेस लगा रही है, इस व्यक्ति ने, इस प्रधानमंत्री ने पूरे देश के अंदर जब नोटबंदी की थी तब पूरे देश के, जो ये कहता है कि 140 करोड़ मेरा परिवार है, उस पूरे परिवार के ऊपर नोटबंदी करके सभी लोगों के पैसे, सभी लोगों की फाइनेंशियल आइडेंटिटी इस व्यक्ति ने लॉक कर दी थी, तब देश में क्या हुआ था? क्या हुआ था मुझे बताइए, वो तो सबने देखा है। लोग लाइन में खड़े रहते थे अपने पैसों के लिए, खुद के पैसों के लिए, जिनके घरों में शादियां थी उनके पास दूल्हा तैयार था, दुल्हन तैयार थी, लेकिन शादी का खर्च करने के लिए बैंक में पैसे थे लेकिन खुद के पास फिजिकली पैसे थे। बिल्कुल वैसा ही आज इसी प्रधानमंत्री ने, इसी गृह मंत्री ने, इसी दो व्यक्तियों की सरकार ने, जब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जिसे 20% वोट मिलता है इस देश में, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी है, अगर उसके अकाउंट्स 1 महीने से बंद कर दिए हैं जिसमें करोड़ों रुपए हैं, आपके सामने चुनाव है, चुनाव के लिए कितने करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, एक कैंडिडेट को कम से कम 5-6 करोड़, अगर आप मिनिमम ऐसे ही अबाउट गिन लो, तो जब 200 सीट पर अगर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है तो उस 200 कैंडिडेट्स को कितने पैसे चाहिए पूरे देश में? इसके अलावा जो पैम्फलेट्स बनाने होते हैं, मार्केटिंग करनी होती है, प्रचार तंत्र होता है, जो कार्यकर्ता काम करते हैं IT सेल में, उसके बाद जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनके खर्चे, एड कैंपेनिंग करनी हो तो टेलीविजन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर, पैम्फलेट से लेकर, पोस्टर से लेकर, एड फिल्म से लेकर, प्रिंट एड से लेकर, कितना खर्चा होता है आप मुझे बताइए। जिस व्यक्ति को ब्लैक मनी के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा 6,060 करोड़ रुपए मिले हैं, वो व्यक्ति खुद के पैसे खर्च कर रहा है चुनाव में, और जिस अपोजिट पार्टी को, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसे सिर्फ 1,400 करोड़ रुपए मिले हैं, अगर उसके अकाउंट्स बंद हो जाते हैं और 1 महीने से बंद हो चुके हैं, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी तकलीफ है। तो ये आरोप है
यह हकीकत है कि यह परेशान करने की हकीकत है। मतलब कि जो सत्ता पार्टी है वो डर चुकी है। तीन मुद्दे हैं, देखिए तीन मुद्दों से इन्होंने साम दाम दंड भेद करके सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई सफलता नहीं मिली। तो ये जो आखिरी मुद्दा है फाइनेंशियल आइडेंटिटी का, इसके ऊपर उन्होंने पूरा अटैक किया है। देखिए मैं आपको बताता हूं कौन से तीन मुद्दे। इस चुनाव के अंदर राहुल गांधी बिना प्रधानमंत्री का चेहरा बने हुए भी पोस्टर बॉय बन चुके हैं, और उनके पोस्टर बॉय बनने की हकीकत है उनकी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहले 3,700 किलोमीटर की और फिर 6,200 किलोमीटर की, यानी कि पूरे 10,000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने पूरे भारत में की। मतलब राहुल गांधी ने अपना पूरा प्रचार कर लिया। तो यह सरकार डर गई। इस सरकार ने अपनी गोदी मीडिया के द्वारा, अपने माध्यमों के द्वारा, अपने ट्रोलर्स के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा करार कर दिया। लेकिन उनका यह मुद्दा नहीं चला, क्योंकि पूरे विश्व में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके जितने भी नेता है उसमें एकमात्र नेता है राहुल गांधी जिसने 10,000 किलोमीटर चल के पूरे विश्व में सबसे बड़ी यात्रा की, उसका प्रमाण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिल गया। अब जो लोग ये कहते थे कि ये भारत तोड़ो यात्रा है वो अब नहीं बोल सकते। तो एक मुद्दा उनका खारिज हो गया, राहुल गांधी बिना प्रधानमंत्री के पद के, उसके चेहरे के डिक्लेरेशन के बगैर ही पोस्टर बॉय बन चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा ही बन गई। अब उनके पास दूसरा था कि इंडिया गठबंधन को तोड़े, लेकिन आज तो ये हो रहा है कि इंडिया गठबंधन तो इतना मजबूत हो चुका है, 3 मार्च को बिहार में जो रैली हुई तेजस्वी यादव के साथ, उसके बाद आखिरी जो रैली शिवाजी पार्क में हुई मुंबई में जब समापन था, ये देखकर इंडिया गठबंधन की मजबूती देखकर और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद आज जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड के हो, चाहे वो हरियाणा के हो, पप्पू यादव की पार्टी हो या कितने ही लोग हो, तो वो मुद्दा भी उनका खत्म हो गया। अब रहा क्या कि ये अगर पैसे खर्च करेंगे तो ये आगे आ सकते हैं, मार्केटिंग करेंगे, एड कैंपेन करेंगे, पोस्टर्स लगाएंगे, अपने विधायकों को, अपने कैंडिडेट्स को पैसे देंगे। तो अगर ये पैसे ही बंद कर दिए जाए जैसे नोटबंदी में बंद कर दिया गया था, एक एक घर का, एक एक व्यक्ति खुद के पैसे के लिए इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भिखारी बना दिया गया था, वैसे ही कांग्रेस पार्टी को आज भिखारी बना दिया गया है। देश की ऐसी बहुत सारी संवैधानिक संस्था है, जैसे कि मैं बात करूं तो जुडिशरी है देश की, कोर्ट्स है, इलेक्शन कमीशन है, और भी बहुत सारी संस्था है। एक महीने से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का अकाउंट बंद हो चुका है, वो एक रुपया भी नहीं खर्च कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, हवाई जहाज की तो बात जाने दीजिए, वो लोग ट्रेन में भी नहीं जा सकते, ट्रेन में भी सफर नहीं कर सकते, कार्यकर्ताओं को पैसे नहीं दे सकते, कैंडिडेट्स को पैसे नहीं दे सकते, कैंपेनिंग नहीं कर सकते। तो ये पार्टी को लाचार, मजबूर और भिखारी बनाने की एक कोशिश, एक क्राइम, एक गुनाह चुनाव के वक्त देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री कर रहा है। ये पूरा देश देख रहा है, क्योंकि ये न केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद के हर पैंतरे, हर हथकंडे अपनाने के बाद भी ना ये इंडिया गठबंधन को तोड़ सके, ना भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा साबित कर सके। और राहुल बॉय खुद ब खुद आज पूरे देश में बिना पीएम के चेहरे के जब पोस्टर बॉय बन चुके हैं, तो इन्हें एक ही तरीके से परेशान किया जा सकता है, ये प्रधानमंत्री जानते हैं। इसीलिए आज एक 7 साल पहले वाले केस, पुराने केस के अंदर इनकी अनियमितता को लेकर इनके ऊपर इतनी पेनल्टी लगाई और इनके जो अकाउंट से उसे फ्रीज कर दिया। जैसे वो हफ्ता नहीं लेने आते, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अगर आपने कोई बाइक खरीदा है लोन के ऊपर, अगर आप बाइक के हफ्ते नहीं भर रहे हैं, तो जिससे आपने लोन लिए वहां के आदमी आ जाते हैं आपके घर पे, या तो हफ्ता दो, पैसा दो, इंस्टॉलमेंट दो, नहीं तो बाइक उठाकर ले जाते हैं, है ना। वैसा ही बिल्कुल इस देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को उसकी 7 साल पहले का जो एक केस था जिसमें थोड़ी सी अनियमितता हुई थी, चोरी नहीं की है, पैसे तो भरे हुए हैं, लेकिन सिर्फ 30 दिन लेट पैसे भरे थे,
उस लेट पैसे भरने की पेनल्टी को, जो आप मुझे बताइए कि सिर्फ पेनल्टी तो बहुत कम होती है, 10,000 से ज्यादा पेनल्टी नहीं हो सकती है, जो संविधान का जो कानून है, कानून के हिसाब से अगर आप लेट पेमेंट करते हो, लेट रिटर्न भरते हो, तो आपको 10,000 से ज्यादा पेनल्टी नहीं हो सकती। लेकिन उसके सामने 210 करोड़ की पेनल्टी, 0.07 की अनियमितता के सामने, एक गलती के सामने, सिर्फ 10,000 रुपये पेनल्टी के बजाय 210 करोड़ की पेनल्टी लगाकर तुरंत इनकम टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा जबरदस्ती बैंक के मैनेजर को डराकर धमकाकर कांग्रेस के सारे अकाउंट्स बैन करना, ये कांग्रेस का आरोप नहीं है, इस देश की हकीकत है। जी लोकतंत्र खतरे में नहीं, लोकतंत्र को पूरा तार तार कर दिया गया है इस देश की सरकार के ठीक द्वारा, जो खुद को डबल इंजिन की सरकार कहती है। और ये आरोप नहीं है, जी ये आरोप नहीं है, ये इस देश की हकीकत है। और ये देश भी नोटबंदी में ये फील कर चुका है, ये अनुभव कर चुका है। सागर जी, ठीक चुनावों से पहले देखिए, मात्र 20 से 25 दिन बचे हैं पहले दिन की मतगणना में, जब वोटिंग होनी है, तो उससे पहले कांग्रेस का इतना बड़ा खुलासा कि उनके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। सोनिया गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो आपको भी लगता है कि जानबूझकर ऐसा एक्शन लिया गया और तमाम अकाउंटों को फ्रीज कर दिया गया? आप मुझे एक बात बताइए, ये जो केस है ये कितने साल पुराना जी है? 2017-2018 के बीच का केस है, जिसमें जी 14 लाख रुपए कैश आए थे, सिर्फ उसकी बात है। वो 30 दिन लेट भरे थे, उसके ऊपर जो पेनल्टी लगी थी, तो 2017-18 में भी इनकी ही सरकार थी ना मैडम, तो ये पेनल्टी तब क्यों नहीं कलेक्ट कर ली गई? क्यों इस सरकार ने 2017-18 की पेनल्टी 2017-18 में नहीं, 2018-19 में नहीं, 2019-20 में नहीं, 20-21 में नहीं, 21-22 में नहीं, 22-23 में नहीं, लेकिन बिल्कुल इलेक्शन के 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले? मतलब ये साफ साफ साबित होता है कि इनको फाइनेंशियली पूरा हैंडीकैप्ट कर दिया जाए। तो ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है, ये सरकार की मंशा दिख रही है कि अगर 7 साल पहले कांग्रेस ने कोई गलती जी की थी, इनके ऊपर पेनल्टी लग रही थी, तो तभी 200 करोड़ ले लेते, आज क्यों 200 करोड़ ले रहे हैं? वैसे तो 10,000 रुपये होते हैं पेनल्टी के, लेकिन अगर इस सरकार को कांग्रेस के पैसे अगर मारने ही थे, हफ्ता के तहत इसे कलेक्ट करना ही था, दादागिरी करके, लूट करके, रॉबिंग करके, एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर रॉबिंग करके, लूट करके, अगर ये पैसे मारने ही थे सरकार को, तो 2017-18 में भी ये गलती हुई थी, तो तभी ले लेने चाहिए थे। चलिए अब मेरी बात लेकिन सर सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, जी अब क्या किया है, अब सर क्या किया है कि उन्हें पता है, मतलब कि सरकार को पता है कि सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई को बहुत, मतलब जो न्याय है उसके ऊपर भरोसा है, और वो न्याय के लिए कोई भी कदम उठाते हैं, उसकी बार बार फटकार इस प्रधानमंत्री को पड़ी है, तो उन्हें ये पता चला कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये जो सीजेआई है चंद्रचूड़, वो कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेंगे, उनकी नजर इस मुद्दे पर होगी, क्योंकि 1 महीने से सबसे बड़ी पार्टी के अकाउंट बंद है। तो इस सरकार ने क्या किया कि इस मुद्दे से अगर वो बच जाते हैं, इस आरोप से अगर वो बच जाते हैं और उनके अकाउंट खुल जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, 30 साल पहले का एक केस और खड़ा कर दिया है। कितनी मंशा खराब है कि अगर कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स सीजेआई की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की वजह से अगर खुल जाते हैं, तो उन्हें और उलझाया जाए। और उलझाने के लिए क्या करते हैं ये लोग, एक साथ 5, 7, 10 केस तैयार कर देते हैं। जैसे डिफेमेशन केस है, राहुल गांधी के ऊपर डिफेमेशन केस, 25 से ज्यादा डिफेमेशन केस लगा दिए हर जगह पे, ताकि एक में से बचे तो दूसरे में उलझे, दूसरे में से बचे तो तीसरे में उलझे, तीसरे में से बचे तो चौथे में उलझे, उसी में उनका टाइम चला जाए, चुनाव आ जाए, वो प्रचार ना कर पाए। जी तो ठीक है, इसीलिए अगर दो नहीं तो मुझे थोड़ा सा पूरा करने दीजिए कि जी 2017-18 सर का ये केस है, उसमें से अगर सुप्रीम कोर्ट की मदद से अगर राहुल गांधी बच जाते हैं, कांग्रेस बच जाती है, उनके अकाउंट्स खुल जाते हैं, तो 30 साल पहले का 95-94 का एक केस भी जी
लाकर खड़ा कर दिया है कि उसका असेसमेंट में भी कुछ गलतियां थी। तो आप सोचिए कि ये सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है कि कांग्रेस पार्टी उलझी रहे, कायदों में उलझी रहे, जुडिशरी में उलझी रहे, अपने अकाउंट्स फ्रीज हो जाए तो उसे खुलवाने के लिए उसमें उलझी रहे, ताकि पूरा वक्त चला जाए और मुझे जो भी गफले करने हैं पूरे देश के अंदर मैं कर लूंगा। तो ये कांग्रेस पार्टी को हैंडीकैप करने के लिए ये किया गया है। हाँ, क्या बीजेपी एक तरफा चुनाव जीतना चाहती है सर, जैसा ये साबित कट लगा रही है? देखिए, बीजेपी तो एक तरफा चुनाव जीतना चाहती है, ये तो पिछले 10 साल से और खास करके 2019 के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी कार्यवाही शुरू की है, ईडी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, उसके बाद और भी जो भी संस्थाएं जो उनके अंदर अंडर में है, जो उनके कैप्चर में है, जिसके ऊपर वो खुद मतलब कार्यवाही कर सकते हैं, वो ऑर्डर कर सकते हैं कि आप जाइए और ये कीजिए, ऐसी संस्थाओं के द्वारा तो हर किस्म के पैंतरे उन्होंने कर दिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। जैसे मैंने बताया, इंडिया गठबंधन भी नहीं टूटा, भारत जोड़ो यात्रा का भी बहुत असर हो चुका। तो कांग्रेस तो ऑलरेडी एडवांस में पूरे इलेक्शन का प्रचार कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार बाकी है। अब जब भारतीय जनता पार्टी खुद हर जगह पे प्रचार नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनके जितने भी सांसद है, विधायक है, कैंडिडेट है, वो तो ट्रॉलर्स हैं। उन्हें तो जब प्रधानमंत्री ऑर्डर देते हैं कि बोलो, तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो रविशंकर प्रसाद से लेकर सारे ट्रॉलर्स बाहर आ जाते हैं। वो बोलने लगते हैं कि राहुल गांधी डर गए हैं, राहुल गांधी को हार दिख रही है, राहुल गांधी को हार दिख रही है, तो पैसों के आरोप लगा रही है। तो आप मुझे बताइए ना कि आपको जो 6,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं, उसको अगर फ्रीज कर दिया जाए तो आप क्या करोगे? उसको अगर फ्रीज कर दिया जाए, उसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे हो आप यूनिक कोड क्यों नहीं दे रहे हो? और मुझे बताइए, उन्होंने तो ये भी बताया, इस प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो एक काला सच उनका और अभी बाहर आया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड हमें मिले हैं वो अगर एक्सपायर्ड भी हो चुके हैं, यानी कि वो डेड हो चुके हैं, तो भी उसे एनकैश करवा लो। तो ये कितनी, मतलब आप देखिए कि ये हर कानून को तोड़ रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, एक्सपायर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड भी अपने लोगों को एनकैश करने के लिए परमिशन दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के सारे अकाउंट्स क्लोज करके 210 करोड़ और NSEOI और IYC के अगर गने काउंट करें हम लोग, तो करीबन 285 करोड़ रुपए इन्होंने एक महीने से तो ऑलरेडी लॉक कर चुके हैं। अब कब खोलेंगे ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। तो ऑब्वियसली ये जो सागर जी, मैं आपसे, सर, टैक्स नहीं भरेंगे तो एक्शन तो लिया जाएगा, इसमें सत्ता पक्ष को क्यों दोष भर देना? टैक्स नहीं भरा था तो मैंने आपको बताया मैडम कि जब टैक्स भरा नहीं था, ऐसा नहीं था, टैक्स लेट भरा था। आप मुझे बताइए कि टैक्स तो भरा हुआ है, टैक्स नहीं भरा है ऐसा नहीं है, टैक्स लेट भरा है सिर्फ 30 दिन, तो उसी वक्त पेनल्टी लगानी थी ना। तो 2017-18 में भरा था ना टैक्स तो लेट, तो मैंने बताया कि 2017-18 में ही आपको पेनल्टी तय कर देनी चाहिए थी, आपकी ही सरकार थी। तो मतलब चोर कौन है? किसके मन में डाउट है कि ये जो पेनल्टी है वो ऐसे वक्त पर लगाएंगे जब ऐसा मौका आएगा कि कांग्रेस को पैसों की सख्त जरूरत होगी, और जब कांग्रेस को पैसों की सख्त जरूरत होगी तब इस केस को उछालेंगे, और इस केस की पेनल्टी उस वक्त लगाएंगे जब कांग्रेस को बहुत ही पैसों की जरूरत होगी। तो किसके मन में पाप है, किसके मन में चोर है? इनकम टैक्स रिटर्न तो भरा हुआ है, पेनल्टी बाकी है, तो पेनल्टी तभी लगानी चाहिए थी। तो चोर तो भारतीय जनता पार्टी है, सत्ता पार्टी है, और उसके सारे ट्रॉलर्स मंत्री है। रविशंकर प्रसाद खुद एक ट्रॉलर है, उसके अलावा उनकी पार्टी में कोई भी अहमियत नहीं है। किरण रिजिजू जी सुप्रीम कोर्ट के सामने जब बयान दे रहे थे, एक रात में बदल दिया गया था। तो इनके मंत्रियों की क्या औकात है, इनके मंत्रियों की क्या हैसियत है, इनके कैबिनेट में, इनकी पार्टी में, इनको सिर्फ ट्रॉल करने के लिए रखा गया है। स्मृति ईरानी जैसी महिला बाल विकास मंत्री जब देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं तो एक शब्द नहीं बोलती है, लेकिन राहुल गांधी कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, क्यों नहीं आए, ये टी शर्ट क्यों पहनी, वो मिसोजिनिस्टिक है, उन्होंने फ्लाइंग किस दी, ऐसी बातें कर करके ये मंत्री लेवल के
जो कैबिनेट में उनके जो मंत्री है, विधायक है, सांसद है, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे ट्रॉलर्स हैं। ये राहुल गांधी को, ठीक है प्रियंका सर। गांधी को, सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, ऐसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को ट्रॉल करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में उन्हें प्लांट किया है। ये ठीक है सर, ओपन मैं आपके ट्रॉलर्स लिए है, लिखूंगा, बहुत छोटी ये छोटी ओपन ट्रॉलर्स है, आती ओपन ट्रॉलर्स। इन्हें मैं ओपन ट्रॉलर्स कहता हूं। जो आईटी सेल के लोग होते हैं वो हैं हिडन ट्रॉलर्स होते हैं, लेकिन इनके जो मंत्री आजकल। है वो ओपन ट्रॉलर्स है जो विपक्षी पार्टियों को ट्रॉल करते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी हमसे बातचीत करने के लिए। पूरा मुद्दा बहुत ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि ठीक चुनावों से पहले कांग्रेस ने कई बड़े आरोप लगाए हैं, और जिस तरीके की बात कांग्रेस कह रही है कि उसके पास पैसा नहीं है चुनाव में जाने के लिए, बराबरी का चुनाव हो ये नहीं चाहती बीजेपी, ये भी आरोप लगे, लेकिन जनता तक क्या ये मैसेज पहुंच पाएगा, जनता का रुख क्या रहेगा, और साथ ही क्या संस्थानों पर जिस तरीके का हमला बोला है कांग्रेस पार्टी ने, क्या वो कोई लीगल एक्शन इस पर लेगी, और कांग्रेस पार्टी के चुनावों से पहले क्या जो अकाउंट फ्रीज कर दिए गए वो डी फ्रीज होंगे, सवाल बना हुआ है, देखना होगा आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, किस तरीके का एक्शन लिया जाता है। फिलहाल के लिए दीजिए।